सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। बेहद प्रसन्नता, बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप हमारा ये कार्यक्रम इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ज्योतिष की उन कड़ियों के विषय में, उन धाराओं के विषय में जता रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। आज फिर से हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष के विषय में। किस प्रकार अंकों से जुड़कर, अक्षरों से जुड़कर आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, इससे जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर आज फिर से हमें देंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित अंक ज्योतिष के ज्ञाता, जी हां, नितिन गुप्ता जी। एक बार फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम के शुभारंभ में अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पा रहा हो, संपर्क नहीं हो पा रहा हो, आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं, आप उन आईडी पर संपर्क करके भी विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। नितिन जी, करेंगे अब आपसे बात, क्योंकि अंक ज्योतिष जुड़ा बहुत ही खूबसूरत ज्ञान आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताया। आज आप हमें बताएं कि ट्रेडिशनली जो चीज़ें देखी जाती हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, वो क्या होती हैं, किस प्रकार व्यक्ति जुड़कर समस्त समस्याओं का, कहा जाए अपने जहन के तमाम ऐसे कष्ट होते हैं, समस्याएँ होती हैं, जिससे निजात तक पा सकते हैं। जी मौली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग मिलके पूछते हैं ये बातें कि यदि एक व्यक्ति 10 तारीख को जन्म हुआ है, मान लीजिए 10 जनवरी को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और साल 2019 में हुआ है, तो 10 जनवरी को साल 2019 में बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, तो क्या सारे के सारे बच्चों की लाइफ सेम होगी या डिफरेंस होगा? प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वो डिफरेंस होता है, बहुत सारे जितने बच्चे पैदा होते हैं या जितने भी व्यक्ति हम उठाएंगे एक पर्टिकुलर डेट को, तो सबकी लाइफ, कोई हो सकता है बहुत अरबपति लोग हों और कोई स्ट्रगल कर रहे हों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये प्रैक्टिकली डिफरेंस हम देखते हैं। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि क्या ये नंबर ही सिर्फ काम करते हैं, क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप जो दो डिजिट या तीन चार नंबर निकालते हैं, क्या सिर्फ वही आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं या कुछ और भी है इसके परे? ट्रेडिशनली जो न्यूमरोलॉजी ज़्यादा करके जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो उन लोगों का जो मत है वो इस तरह से है कि वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक जन्मांक इस किस्म के दो नंबर निकालते हैं और फिर पूरी लाइफ की गणना उन दो नंबर्स के आधार पर ही, मेजरली उन दो नंबर्स के आधार पर की जाती है। जी, आपने मूलांक और जन्मांक के विषय में बताया, ये क्या होती हैं ये भी बताएं आप हमें। ओके, डेट ऑफ बर्थ में DDMMYYYY फॉर्मेट में अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, आपकी जन्म की तारीख के दो डिजिट हो गए, जैसे 23 तारीख को जन्म हुआ तो 2 और 3 आपकी डिजिट हो गए, इनको जब आपस में जोड़कर और एक सिंगल डिजिट बनाया जाता है, 2 और 3 को जोड़ा, 2 जमा 3 5, तो 5 को मूलांक कहा जाता है। हमारे एस्ट्रोन्यूमोलॉजी, हमारा जो अपना सिस्टम है, हम इसको इनिशिएटर नंबर कहते हैं। और ऐसे ही जब आप, अगर मान लीजिए 23 जनवरी 2019 का जन्म है, तो 2 जमा 3 जमा 1 जमा 2 जमा 0 जमा 1 जमा 9, जब पूरे कंप्लीट सारे के सारे डिजिट्स को जब हम जोड़ के और एक सिंगल नंबर निकाल लेते हैं, उसको आम भाषा में उसको कंडक्टर कहते हैं, कुछ लोग उसको भाग्यांक या जन्मांक कहते हैं और हम लोग उसको सस्टेनर नंबर कहते हैं। तो ये दो नंबर पे ज़्यादा करके न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन बेस की जाती हैं। गाड़ी लेनी है, कोई आपने मुहूर्त करना है, कोई आपने कोई दिशा देखनी है, कोई रतन पहनना है, तो इन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें हैं वो रिकमेंड कर दी जाती हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इन्हीं नंबर्स के आधार पे, इन्हीं नंबर्स का एक जो इन नंबर्स का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है, जो मान लीजिए 6 नंबर शुक्र का माना जाता है, तो ज़्यादा करके लोग कहते हैं कि यदि आपने गाड़ी लेनी है तो 6 नंबर टोटल हो ऐसी गाड़ी लीजिए, या जनरली 9 नंबर को प्रेफर करते हैं मंगल का। ऐसे ही बच्चों की स्टडीज़ के विषय में तो एक बहुत अजीब सी बात है, ज़्यादा करके न्यूमरोलॉजिस्ट बच्चों के नाम को या उनके कोई रेमेडी करनी है उसको 5 नंबर के ऊपर उसको प्रेफर करते हैं कि नंबर 5 जो है मरकरी से रिलेटेड है, बुध ग्रह से रिलेटेड है, तो 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में विद्या का कारक है। 3 नंबर और 5 नंबर जुपिटर और मरकरी, ये आपकी विद्या को बढ़ाने वाले हैं, आपको पढ़ाई में, आपके स्टडीज़ में आपको एक्सेलेंस प्रदान करने वाले हैं। उसको रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप ये नंबर, जो नाम का भी नेम नंबर निकाला जाता है उसको भी,
और जो रेमेडीज़ देनी है कुछ भी, वो भी इनसे रिलेटेड किए जाते हैं। जैसे इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स, इनके अल्फ़ाबेट्स, वो नाम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं कि नाम में ई एक्स्ट्रा लगवा दिया, एन लगवा दिया, इस तरह से ये रिकमेंडेशन दी जाती हैं। हमारा जो एस्ट्रोनिमोलॉजी सिस्टम है और जो हमारा अपना रिसर्च वर्क है, जो मैंने उसको देखा और मेरे साथियों ने देखा, हमने पाया कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली सब लोग एक ही डेट पे पैदा हुए एक जैसे नहीं होते हैं। इसका मतलब सिर्फ नंबर के एट्रीब्यूट्स काम नहीं करते हैं, नंबर के अपने एट्रीब्यूट हैं। एक नंबर अथॉरिटेटिव है, डिसीजन मेकर है, 5 नंबर लॉजिकल है, बुद्धि से रिलेटेड काम करने वाला है, 3 नंबर विजडम ओरिएंटेड है, प्रज्ञा देता है, इनसाइट्स देता है, 6 नंबर ब्यूटी का कारक है, एस्थेटिक्स का कारण है, सुंदरता और डिजाइनिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, 8 नंबर मेहनत से रिलेटेड है, सर्विस को देता है, 9 नंबर एग्जीक्यूशन को देता है, ये अग्रेशन को देता है, ये इनके नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन आपके जीवन में क्या फल देंगे, आपके जीवन में क्या 5 नंबर जो है मरकरी जो है, क्या वो आपको पढ़ाई में एक्सीलेंस देगा हमेशा जी? क्या आपको 5 नंबर के रेमेडीज कर लेनी चाहिए? क्या आपको अपने नाम का टोटल 5 नंबर के ऊपर सेट कर लेना चाहिए? ये जब प्रश्न आता है तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, इस सिस्टम के जी। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चेक करना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में मरकरी की प्लेसमेंट क्या है, आपके लिए 5 नंबर किस तरह से रिजल्ट देता है। 5 नंबर यदि आपके लिए फायदेमंद है, पढ़ाई देता है, तो आप 5 नंबर का उपाय कीजिए। यदि पढ़ाई नहीं देता है तो 5 नंबर का उपाय करने से लाभ नहीं होगा, पढ़ाई में सुधार नहीं आएगा। यदि 5 नंबर पढ़ाई के अगेंस्ट इफेक्ट देने वाला हुआ तो पढ़ाई में और गिरावट आने के चांस बन जाएंगे जी। वही मेरा प्रश्न यहाँ पर उठता है, जैसे आपने लकी और अनलक्की नंबर्स के बारे में, उपाय स्वरूप क्या बताते हैं यदि 5 नंबर अनलक्की है तो? 5 नंबर यदि अनलक्की है तो देखिए, एक थंब रूल रेमेडीज के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं कि एक स्टैंडर्ड रेमेडीज, जैसे मैंने अभी कहा कि स्टैंडर्ड रेमेडीज नहीं होती, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी उनके वेरिएशन है, जो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वेरिएशन आता है। तो आइडियली थंब रूल रेमेडीज फॉलो नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मत है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे कि ये वाला पीस आप घर में इस दिशा में लगाइए और पैसा ही पैसा आएगा, आप घोड़े का प्रतीक लगाइए आपको पैसा आएगा, आप लॉफिंग बुद्धा लगाइए पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, सौभाग्य आएगा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखने में नहीं आता। हर आदमी अपने घर में लाके 3-4 प्रतीक लगाए और फिर करोड़पति हो जाए, मैं भी लगा लूँ, मैं भी करोड़पति हो जाऊँ, काम वाम करने की जरूरत नहीं। आपका कहना है ये संभव नहीं है? ये संभव तब है जब बाई चांस वो कोरिलेशंस मैच कर जाते हों। ठीक है, हर एक के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, हर आदमी एक ही ये उपयोग करेगा, एक ही प्रयोग करेगा, एक ही उपाय करेगा और उसको वही लाभ हो जाएगा जैसा दूसरे को हुआ है, ये संभव नहीं है। नहीं है, मैं टोटली अथॉरिटेटिवली कहता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपकी प्लेसमेंट आपके रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर की स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको क्या रिजल्ट देती है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो उपाय करते समय भी हमें यही ध्यान करना पड़ता है कि कौन से नंबर की स्ट्रेंथ वीक है और उसको स्ट्रेंथन करना, पर कितना स्ट्रेंथन करना पॉसिबल है। नंबर्स मिक्स रिजल्ट भी देते हैं, अच्छा भी देंगे, बुरा भी देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कोई प्लैनेट अच्छा फल भी देता है, खराब भी देता है। तो ये उसी का एक रूप है न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे वो एक नंबर है आपको किसी कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा देगा। आप देखेंगे, अगर आप जो भी दर्शक हैं, अगर आप अपने जीवन के पुराने कुछ इवेंट्स को निकाल के देखिए, आपके जीवन के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, शादी कब हुई है, यदि लव मैरिज हुई है तो किस दिन आपका डिसीजन हुआ कि हाँ हम आपस में शादी करेंगे, वो एक बड़ा दिन होता है, खुशी होती है कि हम आपस में मिल पा रहे हैं। बच्चों का जन्म कब हुआ, करियर में जॉब लगी या प्रमोशन मिली या कोई बिजनेस सेटअप किया, उसमें पैसे मिले, ऑर्डर मिला, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं लाइफ के, या बिल्कुल अनफेवरेबल इवेंट्स हैं, किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, या एक पर्टिकुलर नाम के लोग ही आपको तकलीफ देते हैं, एक पर्टिकुलर अक्षर से नाम शुरू होने वाले लोग ही आपको तकलीफ देते हैं या फायदा देते हैं जी। अगर आप ये सारी एक लिस्ट बनाएं अपनी लाइफ की, एक छोटा सा अपना एक लॉग बुक बनाएं, तो आपको नजर आएगा कि कौन कौन से नंबर्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं। क्या वो आपके बर्थ नंबर्स हैं, क्या वो इनिशिएटर सस्टेनर या ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक जन्मांक जो नंबर है, क्या वही बार बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बहुत सारे लोगों के केस में मूलांक जन्मांक नहीं दिखेगा, उनको बेनिफिशियल इवेंट्स में नहीं दिखेगा, है ना। तो हम एक जनरल अवधारणा है कि हम मूलांक और जन्मांक को लकी नंबर्स मान लेते हैं। लोगों ने गाड़ी लेनी है और अगर उनका जन्म 15 तारीख को है तो वो 6 नंबर की गाड़ी ले लेते हैं जी, या 15 की ही गाड़ी लेते हैं जी। ये अवधारणा गलत है, ये हो सकता है बाई चांस सही भी बैठ जाए, लेकिन ये नुकसानदायक भी हो सकती है जी। क्योंकि आधारित नहीं है जी। हमें ये देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में
नंबर का क्या रिजल्ट आ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी रेमेडी की जाती है। बतौर रेमेडी मंत्र देने की मंत्र होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, और हम लोग इन जनरल न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मिलाकर उपाय देते हैं, जहाँ पे हम दिशाओं पे आधारित उपाय देते हैं, हम सिग्नेचर्स के आधारित उपाय देते हैं, हम नाम के अक्षरों में बदलाव के उपाय देते हैं, हम अगर आपने कोई गलत टैटू बनवा लिया है और उसके कारण अगर तकलीफ़ आ रही है तो हम उसके ऊपर आपको उपाय देते हैं, और हम लोग कपड़ों के रंगों के ऊपर, खाना खाने के ऊपर, आपके घर के साधना और आपकी जो ये ओंकार थ्योरी है इसके विषय में भी जरूर जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर लेंगे। नूपुर जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नूपुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या सवाल, क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1983 है जी। मैं काफी, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काफी समय से अपना बुटीक चला रही हूँ पर कोई खास कमाई नहीं है, प्लीज कुछ बताएं जी। तो नूपुर जी ने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया है 7 जुलाई 1983 जी। इनके बर्थ नंबर जो निकल के आते हैं वो 7 और 8 निकल के आते हैं जी। 7 और 8 नंबर निकल के आते हैं इनके। ये नंबर का पिछले कुछ समय से प्रॉब्लमेटिक था ये इफ़ेक्ट इसका, कि जहाँ पे ये नंबर आपस में प्रॉब्लम कर रहे थे और इस समय पे आपने काम शुरू किया और ख़ासतौर पे बुटीक का काम शुरू किया। देखिए नंबर 7 जो है वो नंबर 6 का एंटी मानते हैं, बुटीक का जो बिज़नेस है वो नंबर 6 से रिलेटेड है, और नंबर 8 जो है वो भी नंबर 6 को कोई ख़ास सपोर्टिव नहीं है उस काम के लिए। तो ये दोनों ही नंबर 8 जब सस्टेनर होता है तो बुटीक का बिजनेस हम लोग एडवाइस नहीं करते, अनलेस उनके लिए कोई और सपोर्टिव नंबर या 6 नंबर की वाइब्रेशन उनके लिए सपोर्टिव हो रही हो उस काम के विषय में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिज़नेस आप आइडियली आपके लिए सूटेबल नहीं था, और यदि आप इसे कर रहे हैं तो थोड़े दिन और वेट कीजिए, इस साल मई ऑनवर्ड्स इस बिज़नेस के इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता है तब भी तो हमें कुछ और उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ 6 नंबर की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए आप अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा जो है, 6 नंबर की दिशा साउथ ईस्ट दिशा है, और वहाँ से आपने अगर कचरा कोई स्टोर करा है, डस्टबिन वगैरह आपने रखा हुआ है, तो वो ज़रूर आप वहाँ से हटा दें, ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा इसमें, ये आप हटाएंगे तो लाभ होगा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से बता दें, यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप तुरंत उन ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आपकी फ़ोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन, और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं अंक ज्योतिष के ज्ञाता नितिन गुप्ता जी। एक बार फिर से स्वागत करेंगे नितिन जी का। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत बातें आप हमें बता रहे हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था आपसे, ओंकार की थ्योरी क्या है या फिर ध्यान और साधना का क्या समावेश रहता है, इस अंक ज्योतिष में विस्तारपूर्वक बताएं आप। ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स एक्सक्लूसिव एक हमारा रिसर्च है, जहाँ पर एक ध्यान के माध्यम से ही एक नज़र आया, ओंकार में सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट, सारे नंबर्स हमें नज़र आए, और वो ओंकार में ही, वैसे तो कहा जाता है पूरी सृष्टि निहित है, ओंकार से ही सृष्टि की रचना हुई है, तो मुझे विश्वास था कि नंबर्स भी डेफिनेटली उसमें नज़र आने चाहिए, और वो नज़र आ गए एक दिन। और ओंकार थ्योरी ये बताती है कि कोई भी नंबर का एट्रीब्यूट क्या है। आप कोई भी न्यूमरोलॉजी की बुक पढ़ें, नेट पे से पढ़ें, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ओंकार थ्योरी आपको बहुत सरलता से समझने में मदद करेगी कि उनकी रूट टेंडेंसीज क्या है, कोई भी नंबर वाइब्रेशन है उसका मूल, उसका स्वभाव कैसा है, मूलतः कैसी है वो। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई
तो फिर आपको बहुत सारा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप बड़ी सरलता से अपने रोज़मर्रा के जीवन में न्यूमरोलॉजी का बहुत पावरफुल यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से मिले हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, कहीं नेगोशिएशन चल रहा है आपका, उसमें आपने कैसे जीतना है, किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करें आप कि वो व्यक्ति आपके फेवर में बात करना शुरू कर दे, ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। आप किस समय पे क्या काम करना चाहिए, कौन से समय पे आपको कोई अच्छा काम शुरू करना है, कोई फ़ोन कॉल करना है पेमेंट मांगने के लिए, या किसी व्यक्ति का आपका चुनना है कि इसको अपने साथ जोड़े नहीं जोड़े, कई सारे निर्णय हैं डेली जीवन के जो आप उन नंबर की वाइब्रेशन को समझ के आप कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, और पर्सनैलिटी एनालिसिस एक न्यूमरो ग्रिड टेक्निक हमारी है, अपनी रिसर्च है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और इसका एक लाइफ का ग्राफ कैसा होने की संभावना बनती है जी, तो उसमें हम क्या और कोई चेंजेस करें तो ये इम्प्रूव हो सकता है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमें बताएं, जैसे एक अंक के जो जातक होते हैं, फिर दो अंक के जातक किस स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक। ओके, मूलांक की अगर हम बात करते हैं, इनिशिएटर नंबर की, कि सिर्फ तारीख का टोटल हम ले रहे हैं, तो वो एक बेसिक टेंडेंसी आपकी बताता है कि आप किसी भी, आप जीवन में किसी भी विषय के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति किस तरह से अप्रोच करते हैं, या आपकी इनिशियल टेंडेंसीज दिखाता है, आपकी प्रवृत्ति बताता है, जो आपका इनिशिएटर नंबर है। यदि आपका इनिशिएटर वन है, आप एक तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इन सारे लोगों की मूलतः विशेषता जो है वो एक ही होगी। थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, 28 तारीख वाले व्यक्ति में थोड़ी सी भिन्नता होगी, 19 वाले व्यक्ति में कुछ और विशेषता होगी। यदि एक मूलांक आता है तो व्यक्ति अथॉरिटेटिव होता है, वो व्यक्ति अपने डिसीजन खुद लेने में विश्वास करता है और उन डिसीजन को फॉलो करने में विश्वास रखता है। दो नंबर वाला व्यक्ति जो है वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, लेकिन ये देखिए, दो ओंकार थ्योरी क्या कहती है, दो का स्ट्रोक इस तरह से बनता है, उसमें एक ऊपर कप होता है, एक होल्डिंग होती है, एक में कोई होल्डिंग नहीं है। तो एक का स्वभाव जो है बड़ा स्पष्टवादी है, एक अपने अंदर कुछ रखने में विश्वास नहीं रखता, वो दिल में कुछ नहीं रखेगा, वो जैसा अंदर से वैसा बाहर से, दो टूक स्पष्टवादिता जिसे कहते हैं, एकदम स्पष्ट बोल देना, सीधी बात बोल देना, हम बोलते हैं इसको सीधी बात, नो बकवास। तो एक नंबर की टेंडेंसी ऐसी होती हैं। दो नंबर वाला व्यक्ति उसी बात को थोड़ा घुमा के बोलने वाला होता है, वो सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चलता है, वो ये सोचता है कि सामने वाले व्यक्ति को मैं कोई चोट ना पहुंचा दूं, उसको सॉफ्ट करके बोलूं, तो थोड़ा सा उसमें घुमावदार बात या डिप्लोमेटिक टेंडेंसीज जो हैं दो नंबर की वाइब्रेशन में ये आती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मेमोरी बैंक की तरह होते हैं, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। यदि दो नंबर की वाइब्रेशन सही ढंग से काम कर रही है तो याददाश्त अच्छी होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्षमता होती है। यदि मार्केट में गए हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो फिर सारी ऑप्शंस को चेक करेंगे, तलाशेंगे, और फिर जो उसमें से सिलेक्टेड ऑप्शंस होंगी उनको वो पिक करेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो एक नंबर वाला सिर्फ स्पष्टवादी नहीं, उसकी एक हीलिंग टेंडेंसी भी होती है, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है कि मेरे से जुड़े लोग हैं उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ। वो एक सिस्टम को संभालने वाला होता है, स्टार्ट टू फिनिश चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाला, चीज़ों को आगे लेके जाने वाला, एक लीडर की भांति काम करने वाला, इस वाइब्रेशन के साथ, इस भावना के साथ आगे चलने वाला एक नंबर का व्यक्ति होता है जी। अब बात करते हैं 3, 4 और 5 अंक वालों की, उनके विषय में भी आप हमें बताएं। ओके, तो 3 नंबर के जो व्यक्ति हैं, देखिए जब भी मैं, अभी मौलिका जी ने पूछा है और मैं आंसर कर रहा हूँ, 3 नंबर 4 नंबर, ये वाइब्रेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट्स का टोटल 3 आता है, भले इनिशिएटर के रूप में आए, भले सस्टेनर के रूप में आए, तो आपको ये विशेषताएं कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगी। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसके परे भी कई और तरीकों से वाइब्रेशंस इफेक्ट देती हैं जी। पर अभी हम एक मूलतः बात करें कि यदि 3 नंबर है तो उसकी विशेषता क्या है। तो 3 नंबर वाला व्यक्ति जुपिटर से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं और गुरु की तरह ही उनका स्वभाव होता है। नॉर्मली आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का माथा आपको चौड़ा मिलेगा, एक विजडम ओरिएंटेड फेस होता है, और ऐसे व्यक्ति सॉल्यूशन गिवर की तरह होते हैं, वो आपको राह सुझाने वाले होते हैं, वो आपको राह दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, और उनकी टेक्निकल पावर भी बहुत अच्छी होती है। वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस क्षेत्र में काम करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को समझना, उसको डेवलप करना और उसके साथ उसका प्रयोग करना और उससे जनमानस को फ़ायदा पहुंचाना, ये उनकी मूलतः टेंडेंसी है। बहुत ज़्यादा लाइवली स्वभाव के होते हैं, किसी भी माहौल को एक लाइवली बना देना, खुशनुमा बना देना, स्पॉन्टेनिटी उनके अंदर एक गुण होता है, बहुत अच्छा हाजिर जवाबी भी, और बहुत सुंदर लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड होती है ऐसे लोगों की। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल के लोग अच्छे होते हैं। 3 नंबर के व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ये एक बेसिक उनकी स्वभाव है।
तो चार नंबर वाले व्यक्ति मैं कहूँगा काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति होते हैं। चार नंबर वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा होम एंड फैमिली फोकस्ड होते हैं, उनका घर परिवार, अगर आप उनके जीवन के बारे में बात करें तो घर परिवार उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ये लोग अपने रूटीन्स को, अपने डिसिप्लिन को मेनटेन करना पसंद करते हैं। इनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको जो बाउंड्रीज बना के दी गई हैं, जो सीमा का निर्धारण किया गया है, उसको फॉलो करने वाले, उसका पालन करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब कोई भी इनडिसिप्लिन दिखाए, जब कोई भी व्यक्ति बीच में करे कि भाई ये गलत है, तो फिर रिबेलियस टेंडेंसीज आती हैं, फिर ये उसको काउंटर करने की तरफ भी आ जाते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस में काम करना शुरू करते हैं। जी कहते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी से आप हमें बता दें क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। अब बात करते हैं 5, 6, 7, 8 और 9 की। पांच नंबर मरकरी से रिलेटेड है। पांच नंबर वाले व्यक्ति स्पॉन्टेनियस, नॉलेजेबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। छः नंबर वालों जो हैं वो अदाकार, हम लोग उनको कहते हैं एक शब्द के अदाकार हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। मेटेरियलिस्टिक वे में आगे कैसे बढ़ना है इसकी समझ उन्हें होती है। सात नंबर वालों को हम कहते हैं साधक होते हैं, लर्नर होते हैं, उनके अंदर एक सीकिंग होती है, हर समय कुछ सीखने की, कुछ एक्सप्लोर करने की उनकी एक इच्छा रहती है कि जमीनी रहस्य या सृष्टि के रहस्य, जीवन के पीछे के रहस्य उखाड़ने की उनकी एक टेंडेंसी होती है। और साधक होते हैं, साधना के पथ पे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस उनका डोमेन है। आठ नंबर वाले शरीर से मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। और नौ नंबर वाले व्यक्ति एग्जीक्यूशनर होते हैं, जहाँ पे काम को ख़त्म करके एक नई साइकिल का आरंभ की तरफ वो बढ़े, इस तरह की उनकी टेंडेंसी होती है और ब्रदरहुड होती है। अंकों के विषय में नितिन जी बहुत खूबसूरत जानकारी आपने हमें दी, चलते चलते संदेश स्वरूप ज़रूर कुछ कहें आप। मैं कहूँगा कि जो एक नंबर वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनके घर की पूर्व दिशा में कभी कोई डस्टबिन या कचरा ना हो, उस दिशा को वो साफ़ रखें, वहाँ पे हो सके तो हरे भरे पौधे लगाएं और गोलाकार हरे पौधे लगाएं, पैनी पत्ती के पौधे लगाने से बचें। दो नंबर वाले व्यक्ति, उनके लिए दिशा नॉर्थ वेस्ट की दिशा बताई गई है। दो नंबर वाले व्यक्तियों को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में कभी भी हरा रंग नहीं आने देना चाहिए, वो उनके करियर में बाधा करेगा और हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा। तीन नंबर वाले व्यक्ति अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा को एकदम साफ रखें और वहाँ पे कोई स्टोरेज बनाने से या कोई गंदी, जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट या डस्टबिन, इस तरह का कोई भी उसको यूज़ करने से बचें। चार नंबर वाले व्यक्तियों को अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा से लाल रंग का कोई भी सामान हो, लाल पीला, लाल ऑरेंज या पिंक कलर के शेड्स, ये वहाँ पर अवॉइड करने चाहिए। पाँच नंबर वाले व्यक्ति अपने घर के उत्तर दिशा से, नॉर्थ से टॉयलेट, डस्टबिन या लाल रंग के शेड्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। और छः नंबर वाले व्यक्तियों को हमने पहले भी कहा, साउथ ईस्ट दिशा में काला या नीला रंग को अवॉइड करना चाहिए, टॉयलेट बनाने से बचना चाहिए। इसी सात नंबर वाले व्यक्तियों को भी अपने घर के पश्चिम दिशा से टॉयलेट या ऑरेंज कलर खास तौर पे नहीं आने देना चाहिए कभी भी वहाँ पे, चाहे पर्दे हों, चाहे दीवार का रंग हो या कोई इस तरह की परमानेंट कोई स्कल्पचर वहाँ पे हो, वो अवॉइड करना चाहिए। आठ नंबर वाले व्यक्तियों को भी अपने घर के पश्चिम दिशा से रेड कलर का सामान और ऑरेंज कलर का सामान नहीं होना चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। और नौ नंबर वाले व्यक्तियों को दक्षिण दिशा में शीशा या मिरर जो होता है उसको लगाने से स्ट्रिक्टली बचना चाहिए। ऐसा करने से आप अननेसेसरी के अपने नंबर्स को वीक करने से और अपने जीवन में अननेसेसरी के जो उलझाव हैं, परेशानियाँ हैं, उनको लाने से बच पाएंगे। आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। यदि कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है कार्यक्रम के अंत में, आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। नमस्कार।